हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हार्दिक चौहान और आप देख रहे हैं वेलकम एंटरटेनमेंट। जहां पूरी दुनिया कोरोना वायरस से लड़ रही है, वहां नरेंद्र मोदी ने 1.70 लाख करोड़ का रिलीफ पैकेज इश्यू किया है और हमारे बॉलीवुड के इंडियन फिल्म जगत के एक्टर्स और सेलिब्रिटीज भी इस नोबल कॉज में पीछे नहीं है। उन्होंने भी अपने ओर से कई सारे डोनेशन किए हैं। तो चलिए देखते हैं किस सेलिब्रिटी ने किन को कितना डोनेशन दिया है। शुरुआत करते हैं हमारे साउथ सुपरस्टार रजनीकांत ने की, जिन्होंने 50 लाख रुपए डोनेट किए हैं डेली वेजिस वर्कर के लिए। फिर हम आते हैं, कपिल शर्मा ने 50 लाख रुपए डोनेट किए हैं और अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे उन्होंने ये बात बताई है। साउथ सुपरस्टार पवन कल्याण ने 1 करोड़ रुपए डोनेट किए हैं इस नोबल कोर्स के लिए। ऋतिक रोशन ने BMC मतलब के बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के सारे वर्कर्स के लिए मास्क डोनेट किए हैं, N95 मास्क और FFP3 मास्क। ऋतिक रोशन ने पूरे BMC को वर्कर और केयर टेकर को डोनेट किए हैं। महेश बाबू जो हमारे साउथ के सुपरस्टार है, उन्होंने 1 करोड़ रुपए CM रिलीफ फंड को डोनेट किए हैं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। इसके अलावा चिरंजीवी ने 1 करोड़ रुपए डोनेट किए हैं। रामचरण ने भी 70 लाख डोनेट किए हैं CM रिलीफ फंड को। आगे बात करें तो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में प्रभास, हमारे सुपरस्टार प्रभास जो बाहुबली है, उन्होंने PM रिलीफ फंड में 1 करोड़ रुपए डोनेट किए हैं। ये सारे सेलिब्रिटीज हैं जो साउथ के और बॉलीवुड इंडस्ट्री के सेलिब्रिटीज हैं, जिन्होंने अपने ओर से हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा डोनेशन किया है। इस जैसी और भी अपडेट्स पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। मैं हूं हार्दिक चौहान और